शेखर बावनकुले ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे की ओर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार का पद जाने से उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ओबीसी को राजकीय आरक्षण देने के लिए कार्रवाई पूरी करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और जब तक देवेंद्र फडणवीस सरकार कार्यकाल में थे, तब भी ओबीसी को न्याय मिला था और अब भी मिलेगा, ऐसी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर बावनकुले ने दी है। इतके भावचंडले आहेत की नागपुरात जाऊन राहावं लागला। आता मला जास्त बोलत नाही या विषयावर, पण मला सांगा, जर आता बघा महाविकास आघाडी सरकार असतं, गडचिरोली पूर आला असता, तर महाविकास आघाडी सरकारने काय केलं असतं? फेसबुक लाईव्ह, व्हिडिओ कॉन्फरन्स, 2 दिवसात माननीय देवेंद्र फडणवीसजी आणि एकनाथ शिंदेजींनी गडचिरोलीचा रात्रभर दौरा केला। महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या सर्व चुकीच्या निर्णयावर त्या ठिकाणी कारवाई केली। थेट सरपंच केले, थेट नगराध्यक्ष केले, थेट बाजार समित्या केल्या। पॉलिटिकल राजकीय फायदा करता जे जे तुम्ही उद्ध्वस्त केला महाराष्ट्र, पेट्रोल डिझेलचे रेट स्वस्त केले, तुम्ही ते एक पैसाही तयार नव्हते करायला। विधानमंडळात आम्ही किती बोललो, माननीय देशाच्या पंतप्रधानांनी सांगितलं की 23 राज्यांनी केलं, तुम्ही करत नाहीये। आणि आता 3 रुपये 5 रुपये केला तुम्ही टीका करता, तुम्हाला अधिकार तरी आहे काही बोलायचा? त्यामुळं 2.5 वर्षात पुढच्या काळात जे सरकार करेल, या महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना, संजय राऊत साहेबांसाठी सर्वांना तोंड दाखवी जागा राहणार नाही, एवढं काम शिंदे फडणवीस सरकार करणार आहे। आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।